हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर ये है 8। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 12 टाइपिस्ट आर वर्किंग विथ सेम स्पीड टाइप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस इन 18 डे वर्किंग 8 आवर पर डे। फाइंड हाउ मेनी आवर पर डे मस्ट 16 टाइपिस्ट वर्क इन ऑर्डर टू टाइप द सेम नंबर ऑफ पेजेस इन 9 डे। मतलब क्या है इसका क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब यह है कि 12 टाइपिस्ट जो है किसी काम को जो है सेम स्पीड से टाइप कर रहे हैं, किसी काम को 8 घंटा पर डे काम कर रहे हैं, तो 16 कितने दिन में, 18 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। अगर उसी टाइपिस्ट को, अगर 16 टाइपिस्ट को अगर लगा दिया जाए और उसी काम को जो है 9 डे में काम करवाना हो तो कितना घंटा काम करवाएंगे कि 9 डे में उतना ही पेज टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे टाइपिस्ट, ठीक है, दूसरी तरफ लिखेंगे आर पर डे और तीसरी तरफ लिखेंगे डे। टाइपिस्ट के पहली बार में कितने थे, 12 टाइपिस्ट थे, काम कितना घंटा करते थे, 8 आवर काम करते थे और कितना दिन तक काम किए, 18 डे। सेकेंड वाले में क्या हुआ, सेकेंड वाले में 9 डे काम किया गया है और जो है और क्या 16 टाइपिस्ट हैं, टाइपिस्ट कितने हैं, 16 टाइपिस्ट हैं, है ना। तो कितना घंटा काम करवाना पड़ेगा यही हमें बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको यहां कर देते हैं और इसको यहां, तो यहां हम लिख देते हैं डे, यहां लिख देते हैं 18 और यहां लिख देते हैं 9 और यहां लिख देते हैं 8, यहां लिख देते हैं पर डे, और पर डे। ठीक, अब सही है, हाँ अब सही लग रहा। अब हम क्या करेंगे, एरो मेथड का यूज करेंगे। तो जहां एक्स की वैल्यू जिसके लिए निकालनी होगी जिस कॉलम में, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करते हैं। अभी अभी को देखते हैं, ठीक है, तो इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा वेरिएशन काम कर रहा है, इन डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन काम करेगा तो इसका एरो नीचे की तरफ है तो इसका भी एरो नीचे की तरफ होगा, अगर डायरेक्ट वेरिएशन काम करेगा तो। अगर इनवर्स वेरिएशन होगा तो इसका एरो ऊपर की तरफ होगा। देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन काम कर रहा है कि इनवर्स वेरिएशन। 18 डे काम करवाया गया 8 आवर पर डे के हिसाब से, अगर 9 डे काम करवाया जाएगा तो पर डे आवर भराना पड़ेगा, 8 की जगह कुछ और हो जाएगा, मतलब यहां कम था यहां ज्यादा करना पड़ रहा है काम जो है, डे को कम कर दिया गया तो आवर बढ़ाना पड़ेगा तब काम सही टाइम पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां है कम, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा है 18 की जगह 9 कर दिया गया, मतलब ये कम हो गया, ये ज्यादा था 18 9 कर दिया गया कम हो गया, तो यहां ज्यादा कम है या कम ज्यादा है, यहां अगर कम कम होता ज्यादा ज्यादा होता तो सेम एरो होता, लेकिन ये इसका वेरिएशन क्या है, उल्टा पड़ रहा है, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इसी का कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। ठीक है, 12 टाइपिस्ट किसी काम को 8 घंटा में कंप्लीट कर देते हैं तो 16 टाइपिस्ट उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे। भैया 12 टाइपिस्ट अगर 8 घंटे में कंप्लीट करते हैं तो 16 टाइपिस्ट काम को जल्दी कर देंगे, है ना, मतलब 12 से 16 हुआ तो यहां 8 से 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू है इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, एक्स बाई 8। ठीक है, इसका एरो नीचे की तरफ था तो ये 8 बाई एक्स था, एक्स बाई 8 लिखा, मतलब एरो ऊपर की तरफ हो गया, है ना, तो सभी का एरो ऊपर की तरफ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेम एरो बना दिया है 18 बाई 19,
एरो के सभी को चेंज करने की जरूरत नहीं, सेम ऐसे ऐसे लिख देंगे, है ना 12/16। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एट टू जा 16, टू नाइन जा 18, नाइन से नाइन कट जाएगा और क्या हो गया है, एक्स इक्वल टू आ गया 12 आर पर डे काम करवाना पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर 12 आर यहां लिख सकते हैं, यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 आर पर डे अगर काम करवाया जाएगा तो 16 टाइपिस्ट 12 आर पर डे काम करेंगे तो 9 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर देख लीजिए। हाँ भाई, मुद्दे की बात बस में आए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब एंड बाय।